हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सत्यप्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश के लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने राइम्स सीखी थी ना। इस राइम्स में हमने क्या सीखा था? प्लेइंग इज गुड फॉर अस। क्यों? प्लेइंग हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारी हेल्थ अच्छी रखती है ना। प्लेइंग में कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपका आपके जो भी आप रूटीन्स वर्क कर रहे हो उसमें से आपको फन मिल रहा है, तो गेम्स है वो हमारे लिए अच्छी है। तो नाउ आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज डेफ एंड म्यूट। अवर चैप्टर नंबर 3, डेफ एंड म्यूट। टेक आउट योर चैनल बुक एंड पेज नंबर 27। ओपन द पेज नंबर 27। अवर थर्ड चैप्टर इज डेफ एंड म्यूट। आपने गांधी जी के 3 बंदर देखे? कैसे वो ऐसे रखे हुए, ऐसे रखे, और बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। देखे आपने? ऐसे रखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ? बुरा मत देखो। ऐसे रखा हुआ है उसका मतलब बुरा मत सुनो। और ऐसे रखा हुआ है उसका मतलब बुरा मत बोलो। हमें बुरा बोलना नहीं है, बुरा सीखना भी नहीं है, बुरा देखना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है, राइट? तो आज हम डेफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफ? डेफ का मतलब क्या होता है? सुन नहीं पाते। जो लोग सुन नहीं पाते उसको हम क्या बोलते हैं? डेफ। म्यूट, म्यूट का मतलब आपको वैसे ही पता चल जाएगा। म्यूट का मतलब जो बोल नहीं सकते हो। आप भी अपने मोबाइल्स में म्यूट करते हो ना, तो म्यूट का मतलब है कि उसकी आवाज़ नहीं आती है तो वो बोल नहीं सकता है। तो जो बोल नहीं सकता उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूट। और जो सुन नहीं सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेफ। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी हम एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिख रही हूँ, तो आपको क्या करना है, चैप्टर भी एक्सप्लेन करते जा रहे हो तो आपको सुनना है, ओके? और मेरे साथ एक न्यू वर्ड्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। किस तरह से लिखना है? जैसे हम टू पार्ट्स करने हैं। ऊपर न्यू वर्ड्स लिखने हैं, चैप्टर 3 का नाम लिखना है डेफ एंड म्यूट, ऊपर CW और आज की डे, राइट? इतना वर्ड्स आप पहले कंप्लीट करके रखो। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, न्यू वर्ड साथ में लिखते जाएंगे और हमें न्यू वर्ड्स का मीनिंग भी सीखते जाएंगे और चैप्टर भी एक्सप्लेन एक साथ हम करते रह जा रहे हैं, ओके? नाउ फर्स्ट वन इज डेफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफ? अभी मैंने बताया था कैसे लिखना है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो 4 लाइन है, तो आपको आपके पास फोर लाइन बुक्स है तो 4 लाइन बुक्स में यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन लिख रही हूँ, वैसे आपको सब स्पेलिंग लिखने है, ओके? नाउ फर्स्ट स्पेलिंग इज डेफ, DEAF, डेफ। डेफ का मीनिंग क्या हुआ? जो सुन नहीं पाते वो डेफ। नाउ आपकी बुक्स में यहाँ पे फोर पिक्चर्स दिए गए हैं, देख रहे हो आप पिक्चर्स? वो कौन से पिक्चर्स है? नाउ रीड इट, गिव द राइट वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक्स। आपको वो इसकी ब्लैंक्स में जो राइट वर्ड है वो आपको लिखना है। फर्स्ट वन इज ही कांट सी। ही कांट सी मतलब जो पिक्चर्स है वो देख नहीं सकता। ही कांट सी वो देख नहीं सकता। ही इज कॉल्ड, जो देख नहीं सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड? BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मीनिंग है जो देख नहीं सकता, ही कांट सी, इट्स कॉल्ड ब्लाइंड। तो आपको वो ब्लैंक्स में लिखना है ब्लाइंड। सेकेंड पिक्चर से ही कांट हियर। ही कांट हियर जो सुन नहीं सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेफ। क्या बोलेंगे? डेफ। ही कांट हियर, ही इज कॉल्ड डेफ। डी
sorry, D E A F. He can't hear, he is called deaf. First one, second one, third and fourth one here. Now he can't speak. He can't speak. जो pictures दिया गया है वो लड़का बोल नहीं सकता. It's called, he is called, जो बोल नहीं सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? Mute. M U T E, mute. And our last picture, he can't walk well. जो अच्छे से चल नहीं पाता, जिसका पैर नहीं होता है, he can't walk well. वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? Limp. क्या बोलेंगे? Limp. L I M P, limp. Right? तो यहाँ पे हम चार फोर है पिक्चर्स हमें. फर्स्ट में ब्लाइंड, सेकंड इज डेफ, थर्ड इज म्यूट और फोर्थ इज लिम्प. तो हम भगवान का बहुत सारी थिंग्स बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें से सब चीज़ें हमारे पास है. हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, हम अच्छी तरह से चल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? चल भी सकते हैं. तो हमें गॉड का बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे पास सब चीज़ें हैं. वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन स्पीक एंड वी कैन वॉक, राइट? तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं. अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. नाउ पुट योर फिंगर सेंटेंस नंबर वन. देर वॉज अ बेगर. यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया गया है. देर वॉज अ बेगर. बेगर यानी भिखारी, जो भीख मांग रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेगर. तो नाउ अवर न्यू वर्ड्स इज सेकेंड अवर न्यू वर्ड्स बेगर. बी ई डबल जी ई आर बेगर. बेगर यानी जो जिसके पास कुछ नहीं है, जो खाने के लिए भी दूसरों के पास मांग रहा है, इट्स कॉल्ड बेगर. ही हैड अ टॉल बॉडी. उसकी बॉडी कैसी है? टॉल. टॉल यानी लंबी. बॉडी, बॉडी यानी हमारा पूरा शरीर. बी ओ डी वाई, बॉडी. नाउ वन डे ही टूक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. वन डे ही टूक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब एक दिन क्या हुआ, वो पीस ऑफ कार्डबोर्ड, पीस यानी टुकड़ा, पीस यानी टुकड़ा. तो हम न्यू वर्ड्स में लिख सकते हैं पी आई ई सी ई. वन डे ही टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. तो हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लिखेंगे सी ए आर डी बोर्ड. बी ओ ए आर डी कार्ड. सी ए आर डी कार्ड. बी ओ ए आर डी बोर्ड. कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड यानी जो एक लकड़ी की सीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड. एक दिन वो बेगर है, वो पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेके आया. द टॉल बेगर वॉज वेरी एंग्री. मतलब वो जो आप पेज टर्न करो, पेज नंबर 28, ही रॉट इन इट. उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में क्या लिखा है? डेफ एंड म्यूट. एक कार्डबोर्ड लेके आया और कार्डबोर्ड में क्या लिखा? डेफ एंड म्यूट. इसके पास ऐसा कार्डबोर्ड है, उसमें लिखा है कि मैं सुन भी नहीं सकता हूँ और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ. नाउ ही हग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट. उन्होंने क्या किया? अब वो कार्डबोर्ड है, उसका हग किया. हग किया यानी सीने से लगाया. तो हग, हग हमारे लिए न्यू वर्ड्स एच यू जी ई हग. और हग किया कार्डबोर्ड को. देन ही सेट डाउन ऑन द साइड ऑफ अ रोड. अब क्या किया उन्होंने? देन ही सेट डाउन, मतलब वो रोड पे एक जगह पे बैठ गया. ही पुट हिज बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम.
उन्होंने क्या क्या किया? इन फ्रंट ऑफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ? हमारे ग्रामर में आया था ना इन फ्रंट ऑफ, मतलब हमारे आगे जो कोई भी थिंग्स है उसको हम क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ अ, इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने एक बाउल है जो उसके आगे रखा. मैनी पीपल्स वेंट अप एंड डाउन द रोड. मैनी पीपल्स वेंट अप एंड डाउन द रोड. कई सारे पीपल्स है जो वहाँ से गुजर रहे थे उस रोड पे. सम ऑफ देम टुक पिट ऑन द बेगर. कोई लोग क्या करते थे? कोई कोई लोग जो उसमें है वो कॉइन डाल रहे थे. दे थ्रो कॉइन्स इन टू हिज बाउल. दे थ्रो मतलब वो ऐसे थ्रो करके वो जो बाउल था, जो बाउल पड़ा था उसमें उन्होंने उन्होंने जो बेगर खड़ा बैठा था उसमें डाल रहे थे. देर वॉज अनदर बेगर. दूसरे बेगर ने क्या 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 किया? उस वो टोल वाले बेगर को देख के दूसरे वाले बेगर ने क्या किया? नाउ लेट सी. ही हैड अ फैट बॉडी. उसकी बॉडी कैसी थी? फैट. पहला वाला बेगर था उसकी बॉडी कैसी थी? टॉल. और जो दूसरा वाला बेगर है उसको देख के जो कर रहा है उसकी बॉडी कैसी थी? फैट. नाउ पहले हम यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिखते हैं. पी आई टी वाई पेटी. नंबर एट की पे हम क्या लिखेंगे? थ्रो. टी एच आर ई डब्ल्यू एंड कॉइन. नंबर नाइन सी ओ आई एन एस कॉइन्स यानी सिक्के. नाउ अब जो फैट बेगर थे उन्होंने क्या किया? ही सो अ टॉल बेगर. उन्होंने पहले टॉल बेगर को देखा. ही सो हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो. उन्होंने जो टॉल बेगर के पास जो कार्डबोर्ड था वो भी देखा. एंड ही रन बैक टू हिज कॉटेज. एंड ही रन टू हिज कॉटेज. कॉटेज का मीनिंग क्या होता है? कॉटेज यानी एक झुपड़ी. जो बेगर लोग हैं वो किसने रहते हैं? वो बड़े बड़े हाउस में तो नहीं रहते, तो वो बेगर नहीं कहलाते. वो किसमें रहते? छोटी छोटी झुपड़ियाँ होती है उसमें रहते. इट्स कॉल्ड कॉटेज. सी ओ डबल टी ए जी ई कॉटेज. वो उन्होंने क्या किया फैट बेगर ने? वो बैक टू हिज कॉटेज. वो अपने बैग कॉटेज में चला गया. एंड ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. उन्होंने भी क्या किया? पीस ऑफ कार्डबोर्ड मतलब अपने वो कार्डबोर्ड है वो लेके आया. और उन्होंने क्या लिखा? ही रोट इन इट. उन्होंने क्या लिखा अपने कार्डबोर्ड में? आई एम ब्लाइंड. अगर वो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर वो ब्लाइंड होगा तो उन्होंने टॉल बेगर को देखा होगा. यस और नो? लेकिन उन्होंने क्या लिखा अपने बोर्ड पे? आई एम ब्लाइंड. आई एम ब्लाइंड. बी एल आई एन डी ब्लाइंड. ही टूक अ कार्डबोर्ड एंड रॉट ऑन आई एम ब्लाइंड. मैं अंधा हूँ. क्या आप सोच सकते हो वो जो बेगर है वो अंधा हो सकता है? नहीं. अंधा होगा तो क्या उन्होंने डेफ एंड म्यूट देखा होगा? तो उन्होंने अपने बोर्ड पे आई एम ब्लाइंड लिखा. अब आगे क्या हो रहा है देखते. ही हग इट ऑन हिज चेस्ट. उन्होंने भी क्या किया? वो कार्डबोर्ड लिया और वो कार्डबोर्ड को हग किया. और ही कम बैक एंड सेट नियर द टॉल बेगर. ही कम बैक मतलब वो वापस आया और जो टॉल बेगर था उसके पास वहाँ पे उसके पास वो ऑन द रोड मतलब साइड में साइड ऑन द रोड साइड पे बैठा था तो वहाँ पे भी बैठ गया. ही स्टार्टेड शाउटिंग मतलब वो आवाज़ करने लगा. क्या आवाज़ करने लगा? कि मैं बेगर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई कॉइन दो, सिक्के दो या फिर खाने का दो, ऐसे लोग बेगर बोलते हैं ना. तो उन्होंने शाउटिंग करना शुरू कर दिया.
Shouting yani awaz. S H O U T I N G shouting. उन्होंने shouting करना शुरू कर दिया. फिर I am a poor beggar. मैं बहुत गरीब बेगर हूँ, मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ. I am a lamp. I can walk. मैं lamp मतलब मैं चल नहीं सकता. L A M E lamp. L A M E lamp. मैं चल नहीं सकता. I can walk. I cannot walk. मतलब मैं चल भी नहीं सकता. I am a blind. I can't see. Have pity on me. I can't see. मतलब मैं blind हूँ, मैं देख भी नहीं सकता. Have pity on me. क्या आप मुझे कुछ कॉइन दोगे, कुछ पैसे दोगे? Please give me a coin. God will bless you. आप अगर मुझे कुछ भी कॉइन दे दो तो God bless you. भगवान आपका बहुत अच्छा करेगा. Then क्या हो रहा है? A young man passed that way. एक क्या हुआ? The young man passed the way. मतलब जो young man था वो वहाँ से pass हो रहा था. He took out a 2 rupees coin. उन्होंने अपने पॉकेट में से 2 rupees का कॉइन निकाला. He wanted to give it to the tall beggar. उन्होंने क्या किया? अपनी पॉकेट में से वो कॉइन निकाला और किसको दिया? वो जो टॉल बेगर था, जिसकी बॉडी बहुत ही वीक थी, उन्होंने वो कॉइन दिया. लेकिन क्या हुआ? द फैट बेगर शाउटेड एट वंस. वंस अगेन द फैट बेगर शाउटेड. क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड नहीं था. उन्होंने देखा कि जो यंग मैन था, उन्होंने जो कॉइन है वो किसको दिया? वो टॉल बेगर को. तो अगेन ही शाउटेड. ही टुक आउट. Please don't give it to him. Please don't give it to him. He is not a deaf and he is not a mute. क्या बोला उन्होंने? कि एक कॉइन क्या है? मुझे दो. Give it to me. एक कॉइन है वो, मुझे दो. He is not a deaf. वो deaf भी नहीं है और he is not a mute. वो deaf भी नहीं है और वो mute भी नहीं है. वो सुन भी नहीं सकता ऐसा नहीं है और वो बोल भी नहीं सकता है ऐसा नहीं है. ही इज अ चीट. ही इज अ चीट. वो एक चीटर है. क्या है? चीटर. अगर कोई गेम खेल रहे हो तो गेम में कुछ भी गेम के रूल्स के बाहर कोई खेले तो उसको हम क्या बोलते हैं? चीटर. तो ये भी क्या है? चीट. वो क्योंकि वो डेफ भी नहीं है, म्यूट भी नहीं है. ही इज अ चीटर. आई एम अ पुअर ब्लाइंड बेगर. वो चीटर है. आई एम अ पुअर ब्लाइंड बेगर. तो मैं बहुत ही गरीब और अंधा भिखारी हूँ. प्लीज़ गिव दैट कॉइन टू मी. प्लीज़ गिव दैट कॉइन टू मी. क्या मेहरबानी करके आपने जो वो कॉइन दिया था वो मुझे दे दो. यहाँ पे नाउ टर्न योर पेज. द टॉल बेगर वॉज वेरी एंग्री. अब टॉल बेगर है वो क्या हो गया? एंग्री हो गया. क्यों? क्योंकि टॉल बेगर को वो गलत बोल रहा था कि वो म्यूट भी नहीं है और डेफ भी नहीं है. ही सेड सर आई एम नॉट अ चीट. ही सेड सर आई एम नॉट अ चीट. अब आप कुछ समझा आपने? द टॉल बेगर इज म्यूट. द टॉल बेगर इज म्यूट. क्या म्यूट है वो बोल सकता है? नो. लेकिन वो टॉल बेगर ने क्या बोला इस यंग मैन को? कि सर आई एम नॉट अ चीटर. सर मैं चीटर नहीं हूँ. तो क्या जो म्यूट है वो बोल सकता है? तो क्या आप मुझे आंसर दोगे कि ये चीटर है कि नहीं है? यस, ही इज अ चीटर बिकॉज ऑफ ही स्पीक वेरी वेल. दिस फैट बेगर आई एम अ चेस चीट. He is not blind. This fat beggar is also cheater. जो mute beggar था, उन्होंने वो fat beggar को, वो इस young man को बोला कि this fat beggar is also cheater. वो जो fat beggar है वो भी cheater है. क्यों?
He is not a blind. वो अंधा नहीं है. He could see the coin in your hand. वो जो फैट फिगर है उन्होंने आपके हाथ में वो जो कॉइन था वो देख लिया था. प्लीज़ गिव दिस कॉइन टू मी. मेहरबानी करके आप मुझे एक कॉइन दे दो. आई एम अ पुअर बेगर. मैं बहुत ही गरीब बेगर हूँ. आई एम डेफ एंड म्यूट. मैं बोल भी नहीं सकता और मैं सुन भी नहीं सकता. The young man laughed. The young man ने क्या बोला? Laughed. कुछ नहीं बोला, वो हंसने लगा. तो हमारे लिए न्यू वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा है angry. A N G R Y. Angry. और उसके बाद हमारा न्यू वर्ड्स है यहाँ पे laugh. L A U G H. Laugh. उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू वर्ड है पॉकेट. P O C K E T. पॉकेट. पॉकेट यानी जेब. अब क्या हो रहा? वो जो फैट बेगर है वो भी चीट कर रहा था और जो टॉल बेगर है वो भी चीट कर रहा था. तो यंग मैन अब क्या कर रहा है? The young man laughed. Young man को हंसना आया. He said, both of you are cheater. उन्होंने क्या बोला? आप दोनों cheater हो. He put the coin back into his pocket and went his way. उन्होंने क्या किया? वो coin का coin था जो beggar को देने के लिए अपने pocket से बाहर निकाला था, वो coin वापस अपने जेब में रख दिया और वो अपने रास्ते चला गया. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बोथ बेगर इज ऑल्सो चीटर. दोनों बेगर है वो चीटर थे. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो टॉल एंड टॉल बेगर था वो बोल नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने यंग मैन को बोला कि ये फैट है वो चीटर है. और जो देख नहीं सकता था, जो ब्लाइंड था, उन्होंने क्या किया? उस यंग मैन को बोला कि यहाँ पे आपके हाथ में जो कॉइन है वो मुझे दे दो. ताकि वो देख नहीं सकता तो उन्होंने कॉइन कैसे देखा? तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पे दोनों चीटर है. तो आप कभी भी किसी भी बेगर को अगर आप एक रुपीज़ भी कॉइन दे रहे हो तो पहले आप देख लो कि वो चीटर तो नहीं है ना. जो चीटर बेगर है उसको एक कॉइन भी देना नहीं चाहिए. और जो सीरियसली ब्लाइंड है, जो सीरियसली बोल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो उसको भी हम देना चाहेंगे. लेकिन जो चीट करे उसको कभी भी एक भी कॉइन देना नहीं चाहिए. नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर्स कंप्लीट होता है. चैप्टर्स कंप्लीट होने के साथ साथ हमने यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिख लिए. सो राइट डाउन दिस न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके, नाउ अब होमवर्क. राइट डाउन होमवर्क. मैं यहाँ पे होमवर्क डाउन कर रही हूँ. राइट नाउ एच डब्ल्यू सब्जेक्ट इन इंग्लिश. यहाँ पे मैंने 25th न्यू वर्ड्स लिखे. अब आपको होमवर्क में करने राइट एंड लर्न. राइट एंड लर्न चैप्टर नंबर 3 न्यू वर्ड्स. हाउ मेनी टाइम्स? 2 times आपको लर्न करने हैं. ओके, और 2 times अपनी नोटबुक में लिखने हैं. 1 time CW में अपने नोटबुक में लिखना है, वो अलग से लिखना है. और जो होमवर्क में है वो 2 times लिखने हैं. टोटल 3 times हो गए. राइट, तो 3 times आपको न्यू वर्ड्स लिखना है और आपको लर्न भी करना है. और वापस जो मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेके रीड करना है. ओके, थैंक यू, गुड बाय.